राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके पहले बात करते हैं कन्हैया जो कुशीनगर से आए हैं, क्या आप हर चुनाव में आते हैं? जी, मैं प्रदेश में जहां कहीं भी बाई इलेक्शन होता है, चुनाव में मान लीजिए अपना जिला भी देखना पड़ता है, लेकिन मैं विधानसभा चुनाव में करहल भी गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ से लड़े थे, और इससे पहले उप चुनाव में जब नेताजी की सीट खाली हुई थी तो माननीय डिंपल यादव जी के लिए मैं प्रचार में गया था। 700 किलोमीटर दूरी है मेरे वहाँ से मैनपुरी की, मैं 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर गया था और 800 किलोमीटर वहाँ पांचों विधानसभा में चलाया था, राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर के आगरा, लखनऊ, हर जगह। आप कोपा गंज में हैं, घोसी विधानसभा है, उपचुनाव है यहाँ पे, तो यहाँ क्या संदेश दे रहे हैं अपने लोगों? जी, मैं अपने लोगों को खास करके पिछड़े समाज के लोग जो हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, मैं निषाद समाज से हूँ, पिछड़ा चाहे जो कुछ भी चौहान हो, पिछड़ों का कोई नेता नहीं है और पिछड़ों का आरक्षण और दलितों का ये भाजपा जो है कि डकार रही है। हर जगह जो वैकेंसी निकल रही है उसमें वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही है, उसमें भी घोटाला, हर जगह से घोटाला है, पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। और जो ये पिछड़े समाज के जो चार नेता हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, भाजपा से आए थे और पुनः भाजपा में चले गए, वो कह रहे थे कि भाजपा में जो पिछड़े समाज के नेता हैं यो मोदी और योगी का जूता साफ करते हैं। आपने चैनल के माध्यम से सुना होगा, आप मीडिया से हैं, तो देखिए फिर वह चले गए, पता नहीं किस कारण पर चले गए, कितना उनको क्या मिल गया, उनको अपने समाज से लेना देना कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं ये साइकिल यात्रा के द्वारा जन यात्रा करके लोगों को जागरूक कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो घोसी का जो है कि बाई इलेक्शन हो रहा है, सुधाकर सिंह यहाँ से जो है कि लोकल प्रत्याशी हैं और हमेशा जो है कि वो तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़ों के समाज के नेता अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के सम्मान में हम साइकिल के माध्यम से हर चुनावी जनसभा में पहुंचते हैं। आओ छोटो, इधर आओ, और भी बताओ कहाँ से आए हो? कहाँ से आए? सब रहे मिली बार। अच्छा, नेताजी से मुलाकात हुई? मुलाकात हो गई, बात हो गई। तो और भी लोग हैं जिनसे पूछा जाए कि अखिलेश यादव को सुनने के लिए मौजूद हैं, कोई छांव में, कोई पेड़ के नीचे, तमाम लोग देख रहे हैं। यहाँ से आपको अखिलेश यादव दिख रहे हैं? जी दिखा। आप सुन रहे हैं उनको? हाँ सुन रहा हूँ, बाकी दिखाई साफ नहीं पड़ रहा है। आइए बात करते हैं। अरे तो पंखाओं का सब लगाया आपने, कहाँ से आप आए? हम प्रभु राम की धरती अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए हैं? किसको मतलब, इसी से आ गए आप गाड़ी से? हम आज इसी चार दिन से घोसी विधानसभा में घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। हम इसी से पूरे प्रदेश में घूमते हैं। ई रिक्शा से आप पूरे प्रदेश में घूमते हैं? पूरे प्रदेश में हम सपा की स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तेल से चलती है, बैटरी चलती है? पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी है। बड़ी उत्साह है लोगों में अखिलेश यादव को सुनने को, अखिलेश यादव को देखने के लिए, कोई ई रिक्शा से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई गाड़ी से लोग आए हैं अखिलेश यादव को सुनने के लिए। अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा चल रही है, अखिलेश यादव को लोग सुन रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े हमसे बलिए। आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।